दिस पी सी कॉन्ट रन विंडोज़ 11। विंडोज़ 11 की इंस्टॉलेशन की कुछ रिक्वायरमेंट है। TPM, SGX, UEFI, आपको ये तीनों चीज़ें BIOS में जाके इनेबल करनी होती हैं। अभी इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक ट्रिक के थ्रू इसको बाईपास करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास विंडोज़ 10 और 11 की इमेज फाइल होनी चाहिए। दोनों फाइल्स को एक फोल्डर में हमने डेस्कटॉप पे रख लिया है। इसके बाद हम विंडोज़ 10 की फाइल को एक पेन ड्राइव में बूटेबल बनाएंगे रफस टूल के थ्रू। रफस टूल मैंने लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लिया है एंड पेन ड्राइव 32 GB मैंने इंसर्ट कर दिया। मिनिमम साइज 8 GB होना चाहिए। सिलेक्ट के थ्रू मैंने इमेज विंडोज 10 की सिलेक्ट कर ली है। पार्टीशन स्कीमा GPT ही होना चाहिए। फाइल टाइप शुड बी NTFS। स्टार्ट करके इसको हम पेन ड्राइव में बंद कर देंगे। पेन ड्राइव हमारी बूटेबल बन जाएगी। क्लोज करके चेक कर लेंगे हमारी पेन ड्राइव बन गई है। वापस से अपनी पेन ड्राइव में जाएंगे। पेन ड्राइव बूटेबल पेन ड्राइव के सोर्स फोल्डर के अंदर तो सोर्सेस फोल्डर मैंने ओपन कर लिया है। मैक्सिमाइज करके हम साइज वाइज इसको सॉर्ट करेंगे। सबसे बड़ी फाइल install.est, इस फाइल को हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। फोल्डर को मिनिमाइज करेंगे एंड अपनी जो इमेज फाइल है उसको जाके सेलेक्ट करके विंडोज़ 11 की जो इमेज फाइल है उसको राइट क्लिक करेंगे। माउंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका माउंट ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप 7-Zip इंस्टॉल कर सकते हैं। माउंट पे क्लिक करके हम सोर्सेस फोल्डर के अंदर सॉर्ट किया है हमने एंड install.wim फाइल को हम कॉपी करेंगे एंड पेन ड्राइव के सोर्सेस फोल्डर में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो इस ट्रिक के थ्रू आप इस जो माइक्रोसॉफ्ट ने रेस्ट्रिक्शन अभी डाली हुई है इंस्टॉलेशन में इसको बाईपास कर सकते हैं क्योंकि ये बेटा वर्जन है। हम सिर्फ टेस्टिंग और ट्रेनिंग लर्निंग पर्पज से इसकी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो फाइल मेरी कॉपी हो गई है एंड अभी सारे फोल्डर्स मैं क्लोज करके इस पेन ड्राइव के थ्रू अपनी लैपटॉप को बूट करूँगा एंड आपको दिखाऊंगा कि वो तीनों ऑप्शंस TPM, SGX एंड UEFI को बिना इनेबल किए हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने वो तीनों ऑप्शंस इनेबल किए थे क्योंकि मुझे ये एरर आ रहा था इंस्टॉलेशन में। उसमें मैंने दिखाया था ये एरर कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस इनेबल करने पड़ते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसी को हमने बाईपास के थ्रू अभी इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। बायो सेटअप में मैं आ गया हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको। मैं तीनों फंक्शंस को तीनों ऑप्शंस को मैं इनेबल नहीं कर रहा हूँ। तीनों डिसेबल ही हैं एंड डिसेबल वाली कंडीशन में ही हम पेन ड्राइव से इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। सिक्योरिटी में आ जाएंगे। सिक्योरिटी में TPM हिडन है। हिडन मीन्स डिसेबल। लास्ट टाइम हमने इसको इनेबल किया था। SGX भी डिसेबल है। लेगेसी बूट को हमने लास्ट टाइम डिसेबल किया था। लेगेसी बूट हमारा इनेबल है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने रेस्ट्रिक्शन लगाई है। लेगेसी बूट में विंडोज 11 की इंस्टॉलेशन नहीं होगी। अभी हम इसको इसी में लेगेसी बूट में इंस्टॉल करके दिखाते हैं। तो कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। लेगेसी बूट हमारा इनेबल है।
TPM, SGX, UEFI हमारे डिसेबल है. सेव करके मैंने एग्जिट कर दिया एंड F9 करके मैं पेन ड्राइव के थ्रू इसको बूट करूँगा, सिस्टम को बूट करूँगा. हो सकता है आपके लैपटॉप में कुछ और ऑप्शन हो, डिपेंडिंग ऑन द मेक एंड मॉडल. पेन ड्राइव से मैंने सिस्टम को बूट किया. तो दोस्तों इस टॉपिक पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, जैसा कि मैंने बताया, उसमें इंस्टॉलेशन में अगर आप इन तीनों फंक्शंस को TPM, SGX एंड UEFI को इनेबल नहीं करते तो आपको ये एरर आता है. तो उनको इनेबल करके मैंने फिर आगे इंस्टॉलेशन करके दिखाई थी. इस वीडियो में उनको डिसेबल ही रख के इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, बाईपास करके इस फंक्शनैलिटी को. टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे. पार्टीशन मैं डिलीट कर रहा हूँ, आप क्या पार्टीशन अगर ऑलरेडी बने हुए हैं तो आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी में इंस्टॉलेशन कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने पार्टीशन डिलीट किए हैं, मैंने ये पार्टीशन इसमें क्रिएट करके इंस्टॉलेशन आगे आपको दिखाऊंगा, प्रोसीड करते हैं. तो इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है. इस इंस्टॉलेशन को मैं यहीं पे स्टॉप कर दूँगा क्योंकि ये हमारे पास लाइसेंस वर्जन नहीं है. मैं वीडियो भी सिर्फ एक ट्रेनिंग एंड लर्निंग पर्पज से बना रहा हूँ, तो इंस्टॉलेशन को मैं आगे नहीं बढ़ाऊँगा. बट ये इंस्टॉलेशन आपकी हो सकती है, 110% आप कर सकते हैं, ट्रिक टेस्टेड है. तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू, नमस्कार.